प्रमुख सलाहकार महोदय कृपया स्थान ग्रहण करें। अवश्य, धन्यवाद महाराज। वाह वाह वाह, प्रमुख सलाहकार महोदय आपकी जितनी प्रशंसा की जाए अल्प। आपने अपनी सूझबूझ से राज्य की सघन आर्थिक संकट से सुरक्षा की। अब आपने तो समस्या का समाधान निकाल दिया, परंतु विजयनगर राज्य अभी भी व्यापारियों की समस्या से जूझ रहा है। महाराज पंडित रामकृष्ण जी, आपने इस समस्या पर कुछ विचार किया? हम आपसे पूछ रहे हैं महाराज श्री पंडित रामकृष्ण जी, आपने इस समस्या पर कुछ विचार किया? गुरुजी, गुरुजी देखिए, ये कौन चले आ रहे हैं? पंडित रामकृष्ण महाराज कहाँ हैं? आपको जो भी कहना है इन्हीं से कहिए, पंडित रामकृष्ण ही हमारे कार्यवाहक महाराज हैं। आप दोनों दरबार में आने का कारण बताएं। महाराज, मेरा नाम आत्माराम डबलूरी है। महाराज, मैं श्री गंजूपल्ली। महाराज, मैं विजयनगर व्यापार संघ का प्रमुख अध्यक्ष हूँ। और श्री गंजूपल्ली सचिव। पंडित रामकृष्ण, अब तुम्हें दरबार के समक्ष स्पष्ट करना होगा कि तुमने ऐसा निर्णय क्यों लिया। अब आएगा आनंद। आत्माराव जी, गंजूपल्ली जी, मैं स्पष्टीकरण देता हूं कि वो महाराज, मैं आपके निर्णय के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद महाराज, आपके निर्णय से व्यापार संघ में हर्ष की लहर दौड़ गई है। महाराज, आपने व्यापारियों की भलाई के लिए जो कम दरों पर ऋण देने का निर्णय लिया, उससे राज्य के हर छोटे बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा। हम राज्य के सभी व्यापारियों की ओर से आपको धन्यवाद देने आए हैं। महाराज, सारे व्यापारी आपके आदेशानुसार अपना सारा कर चुकाने को तैयार हैं। ये भी कुछ बात हुई है? राज्य से ऋण लेकर राज्य को ही कर के रूप में लौटा दोगे? जी गुरुवर, आप सत्य कह रहे हैं, और ऐसा करना अत्यंत सरल है। पूर्व में व्यापारियों के लाभ का बड़ा हिस्सा ब्याज देने में चला जाता था, और ऊपर से ऋण देने वालों की चापलूसी करनी पड़ती थी, सो अलग। महाराज पंडित रामकृष्णा जी के निर्णय ने व्यापारियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छानुसार व्यवसाय करने का अवसर दिया है, और वो प्रसन्नता पूर्वक अपना कर चुकाने के लिए तैयार है। और महाराज, व्यापारियों ने हड़ताल वापस ले ली और मंडी खुल गई है। अद्भुत। महाराज श्री पंडित रामकृष्ण की जय। 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 महाराज,
महाराज अब आज्ञा दीजिए। हाँ तो मंत्रीवर। महाराज, इस कार्यवाहक राजा के लिए और कोई कार्य? महाराज, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपको विजयनगर में सबसे अधिक धार्मिक व्यक्ति को चुनकर उसे पुरस्कृत करना है। महाराज, इस बार चयन समिति ने 3 व्यक्तियों को चुनकर भेजा है। अब इनमें से सबसे अधिक धार्मिक व्यक्ति कौन है, इसका निर्णय आपको लेना है महाराज। गुरुजी, इतना प्रसन्न होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वर्ष भी चयन समिति ने आपके नाम का चयन नहीं किया होगा। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है। उचित है तो चयन समिति ने जिन 3 व्यक्तियों को चुना है उन्हें दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, सर्वप्रथम हम बुलाना चाहते हैं स्वामी जीवानंद जी को। दूसरे व्यक्ति हैं शिक्षक सरस्वती चंद्र जी। आसमान में क्या दिख रहा है? प्रणाम। प्रणाम। और अब हम बुलाना चाहते हैं किसान कार्तिक अनुमोलू जी को। राम 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 राम। प्रणाम महाराज। प्रणाम। मंत्रीवर, चयन समिति का राज्य के सबसे धार्मिक व्यक्तियों को चयन करने का मापदंड क्या होता है, कृपया बताएं। महाराज, नियमित तौर पर पूजा पाठ करना। हम करते हैं। जीवन में होने वाले छोटे मोटे लाभ हानि के लिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना। सदैव करते हैं। और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना। अटूट विश्वास है हमारा, यही मापदंड है। और इन मापदंडों पर ये 3 व्यक्ति खड़े उतरे हैं। अब ये आपका निर्णय है, इन 3 व्यक्तियों में से वो योग्य व्यक्ति कौन है जिसे आप चुनकर पुरस्कृत करेंगे महाराज। पंडित रामकृष्ण, आइए आपके लिए एक कार्य और भी कठिन बनाते हैं। महाराज, वैसे तो हम अब एक विशेष सलाहकार का पद संभाल रहे हैं, परंतु महाराज रहते हमने इस विषय पर कुछ निर्णय लिया था। यदि आपकी अनुमति हो तो हम इसे प्रस्तुत करें। जी अवश्य, बताइए। महाराज, हमारे दरबार में अन्य सम्मानित लोग हैं जो अत्यंत धार्मिक हैं, परंतु हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि चयन समिति ने उनके नाम का चयन कैसे नहीं किया। जैसे कि माननीय आदरणीय आचार्य तथाचार्य। गुरुजी, अत्यंत धार्मिक हैं, सभी जानते हैं। सत्य कहा महाराज। प्रमुख सलाहकार जी, आपने। जी गुरुवर। तो महाराज, पंडित रामकृष्ण चयन समिति ने जिनका चुनाव किया है उनके अतिरिक्त या उनके स्थान पर आप चयन कीजिए अपने विवेक से।
आप तय कीजिए इस वर्ष महाराज होते हुए कि विजयनगर राज्य में सबसे अधिक धार्मिक व्यक्ति कौन है, किसका चयन होना चाहिए। अब तुम ना नहीं कह पाओगे पंडित रामकृष्णा। रामा, महाराज ने राजधर्म निभाने की शपथ दी है, इसलिए जो राजधर्म के अनुसार उचित हो वही करना। हम आपके सुझाव का सम्मान करते हैं कृष्णदेव राय जी, किंतु चयन समिति ने कुछ सोच समझकर ही इन तीनों व्यक्तियों का चयन किया होगा, जिनसे विमुख हम हो नहीं सकते, और इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि ये सम्मान उसी को मिलेगा जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। परीक्षा? क्यों परीक्षा? कैसी 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 परीक्षा? सबसे धार्मिक व्यक्ति कौन है, इसका चयन करने की परीक्षा गुरुवर। और हाँ, प्रमुख सलाहकार महोदय, आपको भी इस परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। हमें? हम क्यों अर्थात क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप एक धार्मिक व्यक्ति नहीं है, आपकी धर्म पर आस्था नहीं है? नहीं, आपकी धर्म पर आस्था नहीं है? नहीं, हमारे कहने का वो तात्पर्य नहीं था महाराज। तो फिर मना क्यों कर रहे हैं? इन तीनों व्यक्तियों के साथ साथ गुरुवर और आपको भी इस परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। पंडित रामकृष्ण ने हमें भी फंसा दिया। तो ये तय रहा, कल आप सभी को ये परीक्षा देनी होगी, और इस परीक्षा में जो भी उत्तीर्ण होगा उसे इस राज्य का सबसे धार्मिक व्यक्ति घोषित किया जाएगा। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। महाराज श्री पंडित रामकृष्ण की जय। महाराज श्री पंडित रामकृष्ण की जय। महाराज श्री पंडित रामकृष्ण की जय। कैसी परीक्षा लेगा ये पंडित रामकृष्ण? पंडित रामकृष्ण स्वयं को क्या समझते हैं, हमारी परीक्षा लेंगे। महाराज बिल्कुल सही समय पर आए, भोजन तैयार है। हमें भूख नहीं है। महाराज क्या हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं? महाराज ये समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करेंगे। उचित है। थोड़ी नम्रता से तो बात क्या करो, वो महाराज की मुंह बोली बहन की भांजी है। तो क्या हम आपकी पत्नी और ये आपकी अम्मा? व्यापारियों की समस्या का क्या हुआ? वो माँ की कृपा से हल हो गई अम्मा। तो किस सोच में डूबा है? कल बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, राज्य के सबसे धार्मिक व्यक्ति का चयन करना है मुझे। चयन समिति ने तीन व्यक्तियों को चुन। ये क्या कर रही है? हाँ अम्मा, इस बात का संकेत कर रही है कि इस पूरे राज्य में इससे अधिक कोई धार्मिक है ही नहीं। आप इनका चयन क्यों नहीं कर लेते? आज तक कभी पूजा पाठ में ध्यान भी रहा है तुम्हारा? गिनकर 500 जाप भी नहीं किए होंगे।
सारा ध्यान तो लड्डुओं में रहता है। बढ़िया ही धार्मिक व्यक्ति बनने। सबसे अधिक धार्मिक व्यक्ति कौन है ये चुनना अत्यंत ही कठिन है, किंतु चुनना तो पड़ेगा ही, राजधर्म जो निभाना है। भोजन तैयार हो गया है, आइए कर लीजिए। बापरे, भोजन के नाम पे बापरे? और नहीं तो क्या, इतना अधिक भोजन देखकर तो मेरी भूख ही मर जाती है। तुम एक कार्य करो, एक छोटे से पात्र में मेरे लिए थोड़ा सा भोजन ले आओ, बस। उचित है। ये क्या कर रहे हैं? अरे भोजन के पश्चात लंबी तान कर सोऊंगा माँ। महाराज होते हुए भूमि पर सोएंगे? और नहीं तो क्या, इस मखमली शैया पर मुझे निद्रा नहीं आती। महाराज की निद्रा पूर्ण होनी अति आवश्यक होती है, और कल तो अति महत्वपूर्ण निर्णय भी लेना है। ओ शारदा महोदया, तुम भोजन ले आओ ना। उचित है, चलिए अम्मा। जीवन है, प्रातः उठते इतना मधुर संगीत सुनो। ऐसे नहीं उठेंगे, कृपया शांत हो जाइए। हमें भली भांति पता है किस प्रकार उठेंगे। हम और सोना चाहते हैं। ईश्वर, पंडित राम और कृष्णा जल भी संग्रह नहीं करते हैं। अरे प्रणाम महर्षि विद्याधर जी। प्रणाम महाराज। लामा, मुझे तुझसे आवश्यक वार्तालाप करनी, यहाँ आना। बोल क्या बात है। लामा, मेरे गुलूवल को गुलूकुल का स्वतंत्र भाल देकर उनकी पदोन्नति कर दे। क्या कर दूं? पदोन्नति। अच्छा पदोन्नति। हाँ हाँ। लामा क्या सोच ले? तू महाराज, तू इतना कर सकता है? हाँ गुंडप्पे, मैं महाराज हूँ, मैं अवश्य ऐसा कर सकता हूँ, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। हाँ? इधर आ। गुंडप्पे, एक गुरु की पदोन्नति तो शिष्य की उन्नति में होती है, और तूने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं है। महर्षि विद्याधर जी, बड़ी आशा है अपने गुंडप्पे को ऐसे विद्वान के पद पर देखने की। जी महाराज। आप तनिक इसे विद्वान बना दीजिए, फिर मैं स्वयं महाराज श्री कृष्ण देव राय से बात करके गुरुकुल का सारा भार आपको दिलवा दूंगा। अभी चलता हूँ, दरबार के लिए विलंब हो रहा है। प्रणाम। जी महाराज। और तू पढ़ाई पर ध्यान दे। कोई बात नहीं पंडित रामकृष्णा, तुम बस कल तक के लिए और राजा हो। तुम्हारे मित्र गुंडप्पा को गुरुकुल नियमित आना है, तब देख लूंगा।
हाँ तो मंत्रीवर कल से उत्सुक हैं जानने के लिए कि आप क्या निर्णय लेंगे। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अवश्य अवश्य आइए विराजिए। हाँ तो गुरुवर और कृष्णदेव राय जी, आप दोनों हमारे समक्ष आ जाएं ताकि हम परीक्षा आरंभ करवा सकें। मंत्रीवर, महाराज, प्रतियोगियों को प्रतियोगिता में उपयोग करने वाली वस्तु प्रदान की जाए। जो आज्ञा महाराज। सभी प्रतियोगी एक एक पात्र उठा लें। कटोरे में जल। महाराज, इस जल को ग्रहण करना है? नहीं गुरुवर, परीक्षा मात्र इतनी सी है कि आप सभी को इस पात्र के साथ दरबार की तीन परिक्रमा करनी है। किंतु स्मरण रहे, यदि पात्र से एक बूंद जल भी गिरा तो प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो जाएगा। ये कैसी परीक्षा? इसे तो हम आके बंद करके पूर्ण कर लेंगे। मंत्रीवर, आप इस प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक रहेंगे। जिसके भी पात्र से जल गिरा उसे परीक्षा से बाहर कर दीजिएगा। जो आज्ञा महाराज। परीक्षा आरंभ की जाए। एक, दो, तीन। गुरुवर रुक जाइए। क्यों रुक जाइए? गुरुवर आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण कीजिए। क्यों स्थान ग्रहण कीजिए? देखिए हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम दौड़ने के लिए ठीक से तैयार भी नहीं हुए थे, आपने परीक्षा आरंभ कर दी। हमें पुनः अवसर मिलना चाहिए। गुरुवर, नहीं। गुरुवर कृपा करके जाइए। नहीं हनी, हम जाइए। नहीं जाएंगे। गुरुवर हमने कहा जाइए। हम नहीं जाएंगे। गुरुवर देखिए महाराज, देखिए सभासदों, हमारे साथ अन्याय किया इन्होंने। हम तैयार भी नहीं हुए थे, इन्होंने ये कहां चले गए? सब गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं गुरुजी, अगले वर्ष प्रयास कर लीजिएगा, जीत जाएंगे। चुप रहो कठो। गया। शिक्षक महोदय, कृपया। स्वामी जीवानंद जी, ये भी गया। कृपा कर आप अपना स्थान ग्रहण करें।
बहुत अच्छे, हमारे प्रमुख सलाहकार जीतेंगे, हमें क्या थे, बहुत अच्छे। प्रमुख सलाहकार मौत ही सफल होंगे और हम चाहते भी यही थे, इसीलिए हम जानबूझकर हारे। हाँ, हम तो जानबूझकर हारे महाराज। दोनों प्रतियोगियों ने सफलतापूर्वक अपनी परीक्षा को पूर्ण किया और हमारे विशेष सलाहकार महोदय कृष्णदेव राय जी कार्तिक महोदय से पूर्व अपने स्थान पर पहुंचे हैं। हाँ, धन्यवाद मंत्री भाई। इस परीक्षा के कारण निर्णय लेने का मेरा कठिन कार्य अत्यंत ही सरल हो गया। मैं निर्णय ले चुका। प्रमुख सलाहकार महोदय की जय। शांत 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 हो जाएं, सब शांत हो जाएं। तो निर्णय यह है कि हमारे राज्य के सबसे अधिक धार्मिक व्यक्ति हमारे प्रमुख सलाहकार श्री कृष्णदेव राय नहीं है। क्या अपितु कार्तिक महोदय है। यह कैसा निर्णय है आपका? परीक्षा के अनुसार प्रमुख सलाहकार महोदय ने कार्तिक महोदय से पूर्व दरबार की 3 परिक्रमा पूरी की, वो भी जल को बिना छलकाए। तो परीक्षा में यही उत्तीर्ण हुए ना? गुरुवर गुरुवर, ये प्रतियोगिता दौड़ की नहीं थी, ये तो राज्य का सबसे अधिक धार्मिक व्यक्ति का चयन करने की थी, जिसमें दोनों उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार दोनों ही राज्य के सबसे अधिक धार्मिक व्यक्ति हुई। नहीं गुरुवर, सबसे अधिक धार्मिक व्यक्ति तो कार्तिक महोदय ही हुए। ये निर्णय अनुचित है। महाराज पंडित रामकृष्णा, आपका ये निर्णय अनुचित है। क्यों सभासदों, आपको महाराज पंडित रामकृष्णा का यह निर्णय अनुचित नहीं लगता? बोलिए बोलिए बोलिए, अनुचित है, अनुचित है, सुनिए, अनुचित है, अनुचित है, सुनिए, आपका ये निर्णय अनुचित है, अनुचित है। शांत शांत, कृपया करके सब शांत हो जाइए। मुझे तो लगा था कि आप सब मेरे न्याय का सम्मान करेंगे, किंतु आप तो मुझ पर संदेह कर रहे हैं। गुरुवर, मुझे स्पष्टीकरण का एक अवसर तो दें। मैं स्पष्ट करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है पंडित रामकृष्णा। जी हाँ, पंडित रामकृष्णा, आप हमारे महाराज नहीं हैं, हमारे महाराज हैं श्री कृष्णदेव राय, जिन्होंने आपको 3 दिवस के लिए महाराज बनाया और उसी पद का लाभ उठाकर आप हमारे महाराज को लज्जित करना चाहते हैं। मत भूलिए पंडित रामकृष्णा, ये पद आपको हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय ने दिया है और आप उन्हीं के साथ पक्षपात करना चाहते हैं। गुरुवर गुरुवर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो केवल महाराज के आदेश का ही पालन कर रहा हूँ, पूरी श्रद्धा और निष्ठा से राजा होने के इस उत्तरदायित्व का पालन कर रहा हूँ। गुरुवर, मुझे मेरी बात स्पष्ट करने का एक अवसर तो दे। बहुत उचित अनुचित अवसर दे दिया महाराज ने आपको पंडित रामकृष्णा। लाभ उठाया उन अवसरों का अब कोई अवसर नहीं। मत भूलिए आप क्या थे, आप जनाली गांव में कहां से कहां तक पहुंच गए, किसने दिया ये सब कुछ आपको? हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय ने। ये मान सम्मान, ये प्रतिष्ठा, ये धन दौलत अष्ट दिग्गज का पद, ये सब महाराज श्री कृष्णदेव राय ने दिया आपको और आप
हमारे महाराज का अपमान करते हैं। ये महाराज का ही नहीं, समस्त विजयनगर का अपमान है। और जिस दरबार में हमारे महाराज का अपमान होगा, हम उस दरबार में नहीं रुकेंगे। हम अभी इसी समय आपकी इस सभा को समाप्त घोषित करते हैं। सभासदों, उठो और निकलो उस दरबार से जहां हमारे महाराज का अपमान हुआ है। उठो, चलो। रुकिए गुरुवार, हमें महाराज पंडित रामकृष्ण के निर्णय पर कोई संदेह नहीं है। हमें विश्वास है कि इनके इस निर्णय का स्पष्टीकरण इनके पास अवश्य होगा। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें गुरुवर। यदि मेरे कारण आपको कोई भी दुख पहुंचा हो, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। आपने सत्य कहा गुरुवर, मैं ये भूल गया था कि मैं किस अवस्था में तेनाली गांव से यहां आया था। मैं तो ये भी भूल गया कि मैं किस तरह एक सामान्य मनुष्य से इस दरबार का प्रमुख सलाहकार बना, प्रमुख सलाहकार से अष्ट दिग्गज बना। और इस बार तो महाराज की कृपा से विजयनगर का महाराज भी बन गया। ऐसा भाग्य तो शायद ही किसी का हो महाराज, किंतु आपकी कृपा से मुझे ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मैं तो आप जैसा महाराज पाकर धन्य हो गया। किंतु गुरुवर, मुझे उस आसन, इस पदवी और इस मुकुट का कोई मोह नहीं है, क्योंकि यही मेरे महाराज हैं और सदैव रहेंगे। इसलिए मैं कभी भी इनके साथ कोई पक्षपात नहीं कर सकता। किसान कार्तिक सदैव ईश्वर का नाम जपता रहता है। परिक्रमा के समय जब स्वामी जीवानंद ने अपनी माला अपनी कलाई पर बांध ली थी और शिक्षक सरस्वती चंद्र ने आकाश में देखकर ईश्वर को स्मरण करना बंद कर दिया था, तब भी किसान कार्तिक ईश्वर को स्मरण कर रहा था। परीक्षा के समय भी इसने पूरे ध्यान से पात्र में से एक बूंद जल की गिरने नहीं दी। महाराज, सामान्य समय में ईश्वर का स्मरण करना सरल होता है, किंतु कार्य करते हुए ईश्वर का चिंतन करना बहुत कठिन होता है। और यदि कोई ऐसा करे तो उससे अधिक धार्मिक व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। आप ही बताएं महाराज, ये बात जानते हुए यदि पक्षपाती होकर मैं आपके पक्ष में निर्णय लेता तो ये तो अनुचित ही होता ना। ये तो आपके आदेश की अवहेलना होती जो मैं कदापि नहीं कर सकता था महाराज। विपरीत परिस्थितियों में भी राजधर्म निभाने की प्रेरणा मुझे सदैव आपसे मिलती है महाराज। राजकोष से विजयनगर के नागरिकों को कम दरों पर ऋण देने के अपने निर्णय को लेकर मैं संदेह में था। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने उचित किया या अनुचित। फिर उस रात्रि जब मैंने आपकी और बड़ी महारानी जी की बातें सुनी तो मुझे साहस मिला। उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं महाराज।
पंडित रामकृष्ण उठ जाइए। हम सोच रहे थे कि उस रात्रि हम और महारानी चिन्ना देवी एकांत में थे, परंतु अब प्रतीत हो रहा है कि उस समय हमारे आवास पर अर्थात आपके आवास पर कोई और भी था। पंडित रामकृष्णा, क्षमा करें महाराज, उस रात्रि राजमहल में व्यापारियों की कर की समस्या का कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा था। मेरी बुद्धि कार्य ही नहीं कर रही थी, तो मेरी बुद्धि केवल मेरे निवास पर ही कार्य करती है महाराज, तो मुझे लगा कि वहां कोई ना कोई उपाय अवश्य सूझेगा। मां के समक्ष ही मेरी समस्या का समाधान मिलेगा। हाँ, उस रात्रि आप भी तो वहां आए थे गुरुवर, महाराज के लिए लड्डू लेकर। आई गुरुवर, इतनी रात गए कैसे आना हुआ गुरुवर? महाराज, हम अपने निवास पर थे, हमें निद्रा नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी, तो हम बहुत व्याकुल थे। हम व्याकुल थे परंतु समझ नहीं पा रहे थे कि हम व्याकुल क्यों। तो महाराज हमने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के बाद हमें ज्ञात हुआ कि हमारे परम पूजनीय महाराज श्री कृष्णदेव राय जी को मिष्ठान खाने की इच्छा हुई। हमसे रहा नहीं गया, हम मंडी पहुंचे, मंडी बंद थी महाराज, परंतु महाराज आप तो जानते हैं कि समस्त विजयनगर की प्रजा हमारा बहुत मान सम्मान करती है। हमने एक हलवाई को उठाया, हलवाई उठ गया, हमने कहा लड्डू बनाओ, उसने लड्डू बनाए और लड्डू लेकर हम यहाँ चले आए। धनमन, टोकरी नीचे रखो। जी गुरु, क्षमा चाहते गुरुवर, परंतु हम आपकी ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्या है, माता रानी की इच्छा है कि हम एक साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत करें, तो ये भेंट। धन्यवाद। जैसी आपकी इच्छा महाराज। धनमन, टोकरी सर पर रखो। जी गुरुजी। चलो। रुक जाइए गुरुवर। महाराज, भोजन का अपमान नहीं करते, मिष्ठान भी खाद्य पदार्थ होता है। गुरुवर, कृपया आप इस मिष्ठान की टोकरी को यहीं रख दीजिए। महारानी चिन्ना देवी को हमारा प्रणाम। प्रणाम। सत्य कथन है आपके, मिष्ठान भी खाद्य ही होता है। धनमणि, टोकरी रख दो। जी गुरुजी, धनमणि, मैं रखता हूँ टोकरी। मैं रखता हूँ। चल दोनों रखते हैं, ये अच्छा है। चल। धन्यवाद महारानी चिन्ना देवी जी। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद। महाराज, लड्डुओं का सेवन कीजिए। महारानी चिन्ना देवी, क्या आप सत्य कह रही हैं ये? जी महाराज। आइए ना। खाइए आप भी। तो उस रात्रि छुप छुप कर आपने सब कुछ सुन लिया। तो उस रात्रि छुप छुप कर आपने सब कुछ सुन लिया। महारानी चिन्ना देवी, इतने स्वादिष्ट लड्डू तो हमने आज से पूर्व कभी नहीं खाए।
महाराज लड्डू तो साधारण ही हैं, परंतु आपको अधिक स्वादिष्ट इसलिए लग रहे हैं क्योंकि सरलता से उपलब्ध नहीं थे। सत्य कह रही हैं आप, राजमहल में हमें सब कुछ कितनी सरलता से उपलब्ध हो जाता है। किसी भी वस्तु की कामना की और पलक झपकते वो हमें प्राप्त हो जाती है। संभवतः तो इसलिए हम उन वस्तुओं का महत्व नहीं समझ पाते हैं। और देवी मां निश्चित रूप से हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रही हैं। धन्यवाद देवी मां। परंतु महाराज आपको तो नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है, परंतु पंडित रामकृष्ण के संबंध में सोचिए, उनका क्या हाल हो रहा होगा राजमहल में? आनंद में होंगे। राजमहल में जो है अब उन्हें ज्ञात होगा। उन्हें लगता था कि एक राजा का कार्य अत्यंत सरल होता है, बस आदेश देना होता है, सुख सुविधाओं का भोग करना होता है। आज राज दरबार में एक समस्या उत्पन्न हुई थी जिसका समाधान पंडित रामकृष्ण के पास नहीं था। देखा हमने, दरबार में अत्यंत विचलित थे वो, व्याकुल हो रहे थे समस्या को लेकर। महाराज तो आपने उनकी सहायता क्यों नहीं की? क्योंकि हम उन्हें समझाना चाहते थे कि एक राजा का कार्य कितना कठिन होता है, कितने दायित्व होते हैं उस पर। एक राजा का पद कांटों का मुकुट होता है महारानी जी। और प्रमुख सलाहकार का पद, उसके विषय में भी तो बताइए बड़ी महारानी जी को। और ये भी तो बताइए, जो सुगंधिम राव चुनौती लेकर आया, क्या उसका कोई हल है आपके पास? महाराज पंडित रामकृष्णा राजा के पद पे हैं, उनके निर्णय का प्रभाव राज्य पर पड़ेगा। आपको उनकी सहायता अवश्य ही करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस अहंकार का प्रभाव राज्य को हानि पहुंचाए। उसकी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है महारानी जी, अनजाने में ही सही, परंतु पंडित रामकृष्ण ने राज्य के व्यापारियों की समस्या का समाधान कर दिया है। उन्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं है। मैंने कैसे महाराज? पंडित रामकृष्ण ने व्यापारियों और किसानों के लिए राजकोष का मुख खोल दिया। ये निर्णय उन्हें ज्ञात नहीं है, परंतु अद्भुत निर्णय है। इससे व्यापारियों को राहत पहुंचेगी और हमारा विश्वास है कि इससे व्यापारी अपनी हड़ताल समाप्त कर देंगे। अर्थात ब्याज दर से राजकोष बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। महाराज उस रात्रि में अपना निर्णय पुनः वापस ले लेता यदि मैंने आपकी बातें ना सुनी होती। आपने मुझे अनर्थ करने से बचा लिया महाराज, आपका कोटी कोटी धन्यवाद। तो हम आप समझे, आपने ये सब क्यों किया था? क्या महाराज? अधिक भोले बनने की आवश्यकता नहीं है पंडित रामकृष्ण, हमें सब ज्ञात हो गया है। उस रात्रि चूल्हे पर जल का पात्र आप ही ने रखा था। सेठ सुगंधिम राव की चुनौती को पूर्ण करने का उपाय भी आप ही ने मैं बताया था। क्या पंडित रामकृष्ण? 5 कोटी स्वर्ण मुद्राओं का प्रश्न था महाराज, और मुझे तो पहले से ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं राज्य का वार्षिक व्यय कैसे पूर्ण करूंगा। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत है आप। अद्भुत तो आप है महाराज, उस रात्रि मैंने देखा कि आप मिट्टी के घड़े से कैसे जल पी रहे थे, गुरुवर के लाए लड्डू कितने प्रेम से खा रहे थे। सुख समृद्धि में रहने वाले मेरे महाराज ने कितनी सरलता से
सामान्य नागरिक का जीवन अपना लिया था। ये किसने कह दिया पंडित रामकृष्ण कि एक आम नागरिक का जीवन सरल होता है? महाराज श्री पंडित रामकृष्ण की जय। प्रमुख सलाहकार महोदय की जय। महाराज श्री पंडित रामकृष्ण की जय। प्रमुख सलाहकार महोदय की जय। रुकिए रुकिए, हमारे महाराज कृष्णदेव राय ही हैं और सदैव रहेंगे, इसलिए बोलिए महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। अत्यंत ही छोटी सी बात है महाराज, किंतु इस उदाहरण के पश्चात अच्छी तरह से समझ में आई कि जिसका कार्य उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। डंडा बाजे अर्थात जो कार्य जिसका है उसी को शोभा देता है। परंतु आपने मधुसूदन जी की सेवा निवृत्ति को लेकर जो निर्णय लिया था वो प्रशंसनीय था। उन्होंने राज्य की अत्यधिक सेवा की है और अब समय है कि वो थोड़ा विश्राम करें, और ये एक राज्य का कर्तव्य बनता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए वो उनका निवृत्ति वेतन शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान करें, जिससे वो अपना शेष जीवन हंसी खुशी व्यतीत कर सके और उनके स्थान पर किसी योग्य नवयुवक को कार्य करने का अवसर मिले। अद्भुत विचार पंडित रामकृष्ण। धन्यवाद महाराज, सत्य तो ये है कि आप महाराज हैं और मैं प्रमुख सलाहकार, और हम दोनों अपने अपने कार्यों के लिए ही बने हैं। सत्य कह रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण, परंतु हम दोनों का कार्य अपने अपने स्थान पर आवश्यक है। हम दोनों जैसे मस्तिष्क और हृदय की भांति हो, एक शरीर में इन दोनों की आवश्यकता होती है। इन दोनों में से कोई एक निष्क्रिय हो जाए तो निश्चित रूप से जीवन का अंत हो सकता है। सत्य कहा महाराज, यदि इन 3 दिवसों में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। त्रुटि कैसी पंडित रामकृष्ण, आपके कारण तो माँ का स्वप्न साकार हुआ है और आपके स्थान पर रहकर हमने बहुत कुछ सीख लिया है जो हमें एक प्रजापालक राजा बनने के मार्ग में काम आएगा, उसे और प्रशस्त करेगा। आपका धन्यवाद। जी महाराज, माँ की कृपा से हमें ये सीख केवल 3 दिवस में ही मिल गई। जी पंडित रामकृष्ण। क्यों गुरुवर? जी जी महाराज, सत्य वचन, अंत भला तो सब भला। महाराज कृपया अपना आसन ग्रहण करें। अवश्य महाराज। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। पंडित रामकृष्ण का निर्णय उचित है। कार्तिक महोदय राज्य के सबसे धार्मिक व्यक्ति हैं। आइए कार्तिक महोदय, अपना पुरस्कार स्वीकार कीजिए। मंत्री जी आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की
आप हमें आपसे कुछ वार्तालाप करनी है। बापरे कहिए। हमारी अपने जीवन में आप जैसे सभ्य, चतुर, ज्ञानी, शांत और विनोदी स्वभाव के व्यक्ति से पूर्व में कभी भेंट नहीं हुई। हम आपसे अत्यंत प्रभावित हुए हैं। धन्यवाद देवी। चतुराई से परिपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी होने के साथ साथ आप एक उत्तम मनुष्य भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज्ञा दीजिए। एक क्षण पंडित रामकृष्ण, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अभी तो समय नहीं है, तनिक विलंब हो रहा है, फिर कभी। हाँ, मात्र एक क्षण हमारी बात सुन लीजिए। अच्छा कहिए। आपकी विनम्रता और ज्ञान के कारण हम आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। हम विजयनगर विवाह के लिए आए थे और हमें लगता है आपसे ज्यादा उचित वर हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। क्या कह रही हैं आप? ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्या हम रूपवती नहीं है? नहीं नहीं, रूपवती तो बहुत है। अरे शर्मा क्या रही हैं, मैं विवाहित हूँ। हमें से कोई आपत्ति नहीं है। सुगंधा देवी आप राजपुत्री हैं और मैं साधारण सा पंडित। हम इस भेदभाव को नहीं मानते और ये हमारे लिए कोई महत्व भी नहीं रखता है। सुगंधा देवी, मैं अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता हूँ और मेरे लिए ये महत्व रखता है, इसलिए आप ऐसे विचार अपने हृदय से निकाल दीजिए और आप आज्ञा दीजिए। प्रणाम। परंतु पंडित रामकृष्ण सुनिए तो। बड़ी विचित्र परिस्थिति, ऐसा भी कहीं होता है? भला एक दो दिवस में कोई किसी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव कैसे रख सकता है, वो भी एक विवाहित पुरुष के समक्ष। शिव 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 शिव। पंडित रामकृष्ण, कहते हैं कि सुखद परिवार सफल जीवन का आधार होता है। अब हमें तुम्हारे परिवार पर प्रहार करने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये अवसर हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। हम इस अग्नि में घी डालेंगे, तब तक डालेंगे जब तक तुम्हारा चैन, तुम्हारा सुख इस अग्नि में जलकर स्वाहा नहीं हो जाता। रुकिए महाराज। महारानी तिरुमलम्बा, आप मैं किसे पुनः कब आई? महाराज आज प्रयाता ही आए हैं। परंतु महाराज हमें अत्यंत खेद है, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का हम उत्तर नहीं ढूंढ पाए हैं। जब सृष्टि का सर्जन हुआ तो कौन सा प्रहर था? क्या वो दिवस था कि वो रात्रि थी? महाराज हमने नगर के सभी विद्वानों से पूछा, पर्वत पर वर्षों से तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों से पूछा, परंतु महाराज किसी को इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं था। कृष्णा मेरे भाई। भगिनी। कृष्णा बस बस बस, कृष्णा मेरे भाई, परसों पश्चात तुम्हें देख पा रही हूँ। मेरा किशु। भगिनी बड़ा हो गया हूँ, महाराज हो गया हूँ। भगिनी क्षमा चाहते हैं, हम आपका उचित प्रकार से स्वागत नहीं कर पाए। ताकत? ताकत की क्या आवश्यकता? गाल खींचने के लिए ताकत थोड़ी ना चाहिए, वो तो मैं ऐसे ही खींच सकती हूँ। स्वागत मौसी, स्वागत। महाराज आपसे क्षमा मांग रहे हैं क्योंकि वो उचित प्रकार से आपका स्वागत नहीं कर पाए। हाँ हाँ समझ गए, चिल्ला क्यों रहे हो, हम सब सुन सकते हैं। कृष्णा इससे मिलो, ये हमारी भांजी सुगंधा। थोड़ी सी शरारती है और थोड़ी हट्टी, परंतु अत्यंत बुद्धिमान, आपके पंडित रामकृष्णा के समान। जी हम परिचित हैं उनसे, रात दरबार में भेंट हो चुकी है। रात दरबार की कार्रवाई देखने के उत्साह से हम भली भांति परिचित हैं। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम चिन्ना देवी। प्रणाम तिरुमलम्बा। अब दो ही हैं, बाकी की तीन कहाँ हैं? गुरुजी हम भागकर कहाँ जा रहे हैं? राजमहल। तो गुरुजी अभी तक तो महाराज भी राजमहल नहीं पहुंचे होंगे, पहले उन्हें तो राजमहल पहुंचाने दीजिए। उनके पहुंचने के बाद पहुंचेंगे तो उचित होगा गुरुजी। क्यों उचित होगा? गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी कहाँ गए? कहीं तुम दोनों की योजना कहीं और जाने की तो नहीं है?
नहीं गुरु जी, किंतु गुरु जी सोचिए तो, नगर के मंदिर में आज भंडारा लगा, भंडारा पूरी सब्जी बनी, पूरी सब्जी खाए के गुरु जी। ए चुप रहा, भूखे नंगे मूर्ख कहीं के। देखो हमारा राजमहल पहुंचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना ने जन्म लिया है। ऐसी योजना जो पंडित रामकृष्ण का सुख चैन सब कुछ छीन लेगी। आओ हमारे साथ। मनी, ये अपने बुढ़े के मस्तिष्क में क्या तिक्रम चल रहा है? मनी, इस बुढ़े के आत्मविश्वास को देख के ऐसा प्रतीत होता है जो भी कुछ चल रहा है बहुत ही विनाशकारी चल रहा है। हाँ, सब तक कह रहा हूँ। राजमहल में मेरे द्वारा व्यतीत किए गए 3 दिवस मेरे जीवन के सबसे सुखद दिन थे, और अब हमारे भी। राजमाता, महारानी शारदा, जो बीत गई सो बात गई, अब यथार्थ में आओ, हम अपने घर में आ चुके हैं। जाओ उठो, जाकर मेरे लिए भोजन बनाओ। हम कोई भोजन नहीं बनाएंगे। आप महाराज के विशेष सलाहकार हैं, अष्ट दिग्गज है, घर में कार्य करने के लिए कोई सेवक क्यों नहीं रख लेते? वैसे भी राजमहल में रहने के कारण हम सुख सुविधाओं के आदि हो चुके हैं, हम घर का कोई कार्य नहीं करेंगे। 3 दिवस में तुम आदि भी हो गई? हाँ। उचित है, यदि सेवक की ही बात है तो मैं अपने लिए एक सुंदर रमणीय और अविवाहित सेविका का प्रबंध करता हूँ। बाकी रानिया? बाकी की 3? जब हमारा कृष्ण छोटा था ना, तो हमसे कहा करता था कि हम बड़े होकर 5 विवाह करेंगे। कृष्ण, अभी तो 2 ही विवाह हुए हैं, 3 अभी बाकी है। बाकी नहीं। अत्यंत प्रसन्नता हुई आपको देखकर। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। आप यहाँ? महाराज, सर्वप्रथम तो आपको और महारानी चिन्ना देवी को राजमहल में वापस लौटने के लिए बधाई। धन्यवाद गुरु, धन्यवाद। वो क्या है महाराज कि हमने अनुष्ठान करके इस जल को अभिमंत्रित किया है, तो हम इस जल को राजमहल में छिड़क कर राजमहल को पवित्र करना चाहते हैं। गुरुवर, इसकी क्या आवश्यकता है? राजमहल तो पहले से ही पवित्र है। महाराज, गुरुवर, पवित्रता मनुष्य के हृदय में होनी चाहिए। वो मनुष्य जिसके हृदय में पवित्रता होती है, वो जहाँ होते हैं वो स्थान स्वयं पवित्र हो जाता है। अद्भुत, सत्य वचन है गुरुवर। सुगंधा, आपकी सोच तो पंडित रामकृष्ण के समान है। और तो और, पंडित रामकृष्ण को पति रूप में पाने की अभिलाषा भी रखती हैं। क्यों 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 क्यों? सुंदर, रमणीक और अविवाहित सेविका ही क्यों? अरे यदि विवाहित हुई तो घर संसार का झंझट रहेगा, आएगी कम और अवकाश अधिक लेगी, इसलिए। और वैसे भी इस घर की सेविका तो ऐसी होनी चाहिए कि कोई देखे तो कहे कि हा 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 कितनी सुंदर और रमणीय है, क्योंकि इस घर का स्वामी महाराज का प्रमुख और विशेष सलाहकार है और अष्ट दिग्गज पद प्राप्त व्यक्ति है, इसलिए, है ना अम्मा? मैं इस चंद्रमा की नहीं, उस चंद्रमा की बात कर रहा हूं। हम है ना, हम आपके लिए भोजन अभी लाते, हम अभी लेकर आते, अभी लाए, शीघ्र करना। हाँ। महाराज, ये हमारी आत्मिक इच्छा थी कि हम इस जल का छिड़काव करें, कृपया आज्ञा देकर
कृतार्थ करें महाराज। आज्ञा है गुरुवर। धन्यवाद। हाँ महाराज, ये जो जल का छिड़काव है हम बाहर से आरंभ करेंगे। जी। ये मेरा भाई। महल के एक एक कोने का शुद्धिकरण करेंगे, एक एक कोने का शुद्धिकरण कर देंगे। गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम सुगंधा देवी, प्रणाम प्रणाम। वो हमें पंडित रामाकृष्ण के विषय में आपसे कुछ ज्ञात करना था। है? किसके विषय में? पंडित रामाकृष्ण। हाँ, क्यों नहीं अवश्य। आप जो कुछ पूछना चाहती हैं अवश्य पूछिए, हम आपको निसंकोच बताएंगे। हमारा तो राजमहल रहने का उद्देश्य भी यही था। क्या कहा गुरुवर? कुछ नहीं कुछ नहीं, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको जो पंडित रामाकृष्ण के विषय में ज्ञात करना है पूछिए, हम सब कुछ बताएंगे। और हाँ, हम सब बातें गुप्त रखेंगे। सुगंधा देवी, आप हमें अपना शुभचिंतक मानिए। हम तो बस यूं ही थोड़ा पंडित रामाकृष्ण के प्रति थोड़ा उत्सुक हो गए थे। हमने स्वयं देखा कि किस कुशलता के साथ उन्होंने राज्य के व्यापारियों की समस्या का निवारण किया। हाँ। मौसी जी, वो तो उनकी प्रशंसा करते करते थकती नहीं। अच्छा? और हमारे महाराज, वो तो उन पर इतना विश्वास करते हैं कि अपना राजपाट उनके हाथों में सौंप कर स्वयं उनके स्थान पर चले गए। जी। अत्यंत विलक्षण व्यक्ति हैं पंडित रामाकृष्ण। क्या? पंडित रामाकृष्ण तो उत्तम पुरुष है। उत्तम नहीं, वो तो अति उत्तम पुरुष है। उनके आगमन से तो विजयनगर राज्य के भाग्य खुल गए। जब से उनके कदम विजयनगर राज्य में पड़े हैं, चारों दिशाओं में खुशहाली ही खुशहाली है। महान व्यक्ति है पंडित रामाकृष्ण, उनकी तो जितनी भी प्रशंसा की जाए अल्प। श्वेत अंग वस्त्र ही लेना होगा। नहीं लूंगा। लेना होगा। नहीं लेना होगा। लेना होगा। अरे रे रे, क्या कर रहे हैं, शांत हो जाइए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित रामाकृष्ण। प्रणाम प्रणाम। क्या हुआ भाई, क्यों इस तरह सबके समक्ष एक दूसरे से लड़ रहे हैं? पंडित जी, विवाद तो इसने आरंभ किया, मैं तो इसे मंडी एक सुंदर स्वर्णमाला दिलाने लाया था। स्वर्णमाला? जी पंडित जी, ये सत्य है, इन्होंने मुझे स्वर्णमाला दिलवाई भी, ये देखिए। किंतु अब मैं इन्हें अंग वस्त्र दिलवा रही हूँ तो ये मुझसे विवाद कर रहे हैं। महोदय, आपने अपनी पत्नी को कितनी सुंदर स्वर्णमाला दिलवाई, अब जब ये आपको अंग वस्त्र दिलवाना चाहती है तो आप रुष्ट क्यों हो रहे हैं? पंडित जी, मुझे पीत वर्ण का अंग वस्त्र लेना है और ये मुझे श्वेत वर्ण का अंग वस्त्र दिलवा रही है। श्वेत अंग वस्त्र इन पर अत्यंत ही आकर्षक लगता है। पंडित रामाकृष्ण, मेरी बहन का विवाह है और मेरी इच्छा है कि ये विवाह में सभी पुरुषों से अधिक आकर्षक दिखे, इस कारण श्वेत अंग वस्त्र ही लेना होगा। नहीं लूंगा, और तुम्हारी हट के आगे इस बार बिल्कुल भी नहीं झुकूंगा। लेना होगा। बिल्कुल नहीं लूंगा। लेना होगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपकी बहन का विवाह किस तिथि को है? शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। और उस दिन वार कौन सा है? बुधवार। बुधवार, बुध का रंग होता है हरा, अर्थात उस दिन ना पीत वर्ण ना श्वेत वर्ण, हरा वर्ण पहनना ही उचित होगा। हाँ देवी जी, बुधवार को हरा वर्ण पहनना ही शुभ होता है। अब तो आप यही चाहेंगी ना कि आपकी बहन के विवाह के दिवस सब शुभ शुभ हो, शुभ का वास हो। उचित है, उचित है। महोदय, आपको हरा वर्ण पहनने में तो कोई आपत्ति नहीं ना? जी नहीं पंडित जी। तो तय रहा, ये आपकी बहन के विवाह के दिवस हरा वर्ण ही पहनेंगे, उचित है? उचित है। भाग्य दे। प्रणाम। 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 ए बंधु। रामा, ये कैसा विचित्र समाधान दिया तूने? तो और क्या करता बंधु, वो स्त्री अत्यंत ही हटी थी। स्त्री यदि कोई हट पकड़ लेना तो उसे समझाना असंभव होता है बंधु। ईश्वर का धन्यवाद, शारदा ऐसी नहीं है। सत्य कहा कि माँ का आशीर्वाद ही है कि अपनी शारदा ऐसी नहीं है। भागिनी, भागिनी, चिल्ला क्यों रहे हो? सुन रहे हैं हम। आपने अपने पत्र में एक आकर्षक उपहार का वर्णन किया था जो आप महाराज के लिए लेके आने वाली थी, कहाँ है वो उपहार? तलवार? कैसी तलवार?
तलवार लेकर हम कहाँ चलेंगे? तलवार नहीं, उपहार, उपहार। हाँ हाँ सब सुन सकते हैं, हम चिल्ला क्यों रही हो? हाँ किया था हमने वर्णन, अभी हम आपको दिखाते हैं वो आकर्षक उपहार। सेवक कृपया सुगंधा देवी को बुलाइए। जो आ गया। अच्छा तो सुगंधा के पास है वो उपहार। सुगंधा देवी जी आपको रनिवास में बुलाया है। चलिए। आगे। ये है हमारी भांजी सुगंधा, यही तो है वो आकर्षक उपहार जो हम कृष्ण के लिए लेकर आए हैं। ये हम क्या सुन रहे हैं महाराज? हमें क्या, ये भगिनी आप ये क्या कह रही हैं? बह रही है? कौन बह रही है? बह नहीं, क्या कह रही है? हम कोई विवाह नहीं करेंगे। हमारे अनुज भ्राता होकर हमसे इस तरह से बात करेंगे? भगिनी, भगिनी हमें क्षमा कीजिए, परंतु हम आपके प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थ हैं। क्या कह रहे हैं महाराज के असमर्थ हैं? संपूर्ण दक्षिण भारत पे राज करने वाले महाराज को किसी असमर्थता? उत्तर दीजिए कृष्ण। इस विषय में हम वाद विवाद नहीं कर पाएंगे, बस। महाराज कह रहे हैं कि अब वो और वाद विवाद नहीं करना चाहते। गुरुवर। जी जी। गुरुवर, गुरुवर, गुरुवर। जी, जी कही। अब आप ही कुछ समझाए ना कृष्ण को। हम समझाएं? हम क्या समझाएं भानुमती जी? यही कि तीसरा विवाह करना पाप है क्या? क्या तीसरा विवाह करने वाले कृष्ण प्रथम महाराज होंगे? तीसरा क्या, राजा महाराजा तो दस दस विवाह कर सकते हैं। हाँ। गुरुवर भानुमती जी हमें ज्ञात है महाराज आपका बहुत आदर सत्कार करते हैं, महाराज ने आपको ना कहा है इसके पीछे अवश्य कोई गूढ़ अर्थ है ना महाराज? सत्य वचन गुरुवर, हमारा यहाँ आना ही व्यर्थ हो गया। व्यर्थ ना ना, अर्थ अर्थ अनर्थ अनर्थ। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें ऊंचा सुनाई देता है। भानुमती जी अर्थ हम कह रहे हैं, महाराज ने आपको ना कहा है तो इसके पीछे अवश्य कोई गूढ़ अर्थ है। भगिनी आप कृपया कुपित मत होइए, आपको तो ज्ञात है आप हमारे लिए कितनी आदरणीय हैं। हाँ, आदरणीय सब दिखाई दे रहा है हमें, अब हम एक पल के लिए भी विजयनगर में नहीं रुकेंगे। सुगंधा यात्रा की तैयारी करो। लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना होगा। भानुमती जी। गुरुवर ऊंचा बोलिए, ऊंचा। हाँ हाँ हम भूल गए थे। भानुमती जी आप चिल्ला क्यों रहे हैं? हम सब सुन सकते हैं। आप ऊंचा नहीं सुनती हैं, हमें ऊंचा बोलने का रोग है। क्षमा क्षमा। वो क्या है भानुमती जी, वर और वधु की स्वीकृति के पश्चात ही विवाह पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं होता है। अब देखिए आपने बिना सुगंधा देवी की इच्छा ज्ञात किए महाराज के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। Thank you.
सुगंधा की इच्छा हमारी इच्छा से पृथक नहीं है, एक ही है। ना ना, यहाँ त्रुटि है आपकी। नहीं देखिए, हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आपको अपनी भांजी से पूछ लेना चाहिए कि उनकी क्या इच्छा है। बताइए सुगंधा देवी, आपकी क्या इच्छा है? पंडित रामकृष्ण, हम पंडित रामकृष्ण से विवाह करना चाहते हैं। क्या? पंडित रामकृष्ण, हम पंडित रामकृष्ण से विवाह करना चाहते हैं। ये आ गई मन की बात मुंह पर। नहीं नहीं, यह संभव है। माना कि पंडित रामकृष्ण बुद्धिमान है और विद्वान भी है, परंतु सुख समृद्धि और वैभव में पली सुगंधा पंडित रामकृष्ण का साधारण जीवन नहीं अपना सकती है। वैसे भी पंडित रामकृष्ण विवाहित हैं। तो क्या हुआ महारानी तिरुमल अम्बा जी, महाराज ने भी तो दो विवाह किए हैं। महारानी तिरुमल अम्बा, आप शांत रहिए, पंडित रामकृष्ण इस समस्या से खुद ही निपट लेंगे। देखिए सुगंधा देवी, हम पंडित रामकृष्ण को भली भांति जानते हैं और हमें खेद है कहते हुए, परंतु वो दूसरा विवाह कदापि नहीं करेंगे। नहीं, हमारे राज्य में और भी प्रतिभाशाली पुरुष हैं, यदि आप कहें तो। नहीं महाराज, हम विवाह करेंगे तो पंडित रामकृष्ण से ही करेंगे, अन्यथा जीवन भर कुंवारी ही रहेंगे। शांत हो जाए भगिनी, आप रोइए ना। महाराज क्षमा करें, यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारे पास इस समस्या का समाधान है। शीघ्र बताइए गुरुवर। सुगंधा देवी जी, आपकी मौसी सत्य कह रही, आपको पंडित रामकृष्ण जैसा साधारण जीवन अपनाने में अत्यंत कष्ट होगा। नहीं होगा गुरुवर, पंडित रामकृष्ण हमें जैसे रखेंगे हम वैसे रह लेंगे। शांत हो जाइए भगिनी। देखिए सुगंधा देवी जी, कहने से कुछ नहीं होता है, ये वास्तविकता में करके दिखाना होगा आपको। यदि आप वास्तविकता में करके दिखाएंगी तो हम मानेंगे। महाराज, हमारे विचार से सुगंधा देवी को पंडित रामकृष्ण के परिवार के साथ उनके निवास पर कुछ दिन बिताने चाहिए। अब देखिए महाराज, यदि सुगंधा देवी पंडित रामकृष्ण के परिवार के साथ रहकर उनके जैसा साधारण जीवन अपना लेती हैं, तो भानुमती जी की शंका दूर हो जाएगी और सुगंधा देवी को साधारण जीवन जीने का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और हाँ, इन्हें निर्णय लेने में सरलता होगी। जी जी जी, सत्य कह रहे हैं। हमें गुरुवर का प्रस्ताव स्वीकार है, हम अभी पंडित रामकृष्ण के भवन जाने की तैयारी करते हैं। शांत हो जाए, चिंता मत कीजिए महाराज, और हम पर विश्वास रखिए, हम जानते हैं सुगंधा देवी हठी है। अब यदि हमने इन्हें मना किया तो इनका हट और दृढ़ हो जाएगा। महाराज, इसीलिए हमने यह सुझाव दिया, ये एक वास्तविक प्रयोग है महाराज, पर हमें पूर्ण विश्वास है सुख वैभव समृद्धि में पली सुगंधा देवी इस प्रयोग में अवश्य ही असफल होगी। यही आशा करते हम भी, अन्यथा पंडित रामकृष्ण बर्बाद हो जाएंगे। यही तो हम चाहते हैं।
परंतु यदि सुगंधा देवी को पंडित रामकृष्ण का रहन सहन भाग गया तो हे माँ पंडित रामकृष्ण की रक्षा करना। बेचारे पंडित रामकृष्ण। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम मंत्रीवर। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। ये तथाचार्य तुझे देखकर मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली? नहीं बंधु, तू नहा के चिंतित हो रहा है। गुरुवर तो सदा से ऐसे ही करते आए हैं। देख, प्रणाम पंडित रामकृष्णा जी। प्रणाम। महाराज ने आपको विशेष मंत्रणा कक्ष में बुलाया है। मंत्रणा कक्ष में? चलिए आता हूँ मंत्रीवर। जी जी अवश्य। अब आएगा आनंद पंडित रामकृष्ण। प्रणाम महाराज। स्थान ग्रहण कीजिए अपना। जी पंडित रामकृष्ण, आप इनसे तो मिल ही चुके हैं। ये हमारी मुंह बोली बहन आदरणीय भानुमती जी हैं। जी महाराज। प्रणाम भानुमती जी। और ये हैं उनकी भांजी सुश्री सुगंधा देवी। प्रणाम। प्रणाम। तो पंडित रामकृष्ण, अब हम आपसे जो कहने जा रहे हैं उस बात को बिना व्याकुल हुए ध्यान से सुनिए। जी जी महाराज। पंडित रामकृष्ण, हमारी बहन सुगंधा देवी को यहाँ विजयनगर राज्य में किसी विशेष उद्देश्य से लाई हैं, और वो विशेष उद्देश्य है सुगंधा देवी के लिए एक योग्य वर का चयन। आपकी विनम्रता और ज्ञान के कारण हम आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। हम विजयनगर विवाह के लिए आए थे और हमें लगता है आपसे ज्यादा उचित वर हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण। जी 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 महाराज। खड़े क्यों गए? बैठिए। तो आपको ये सुनकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि सुगंधा देवी ने अपने लिए एक वर का चयन कर लिया है। आपको बहुत बहुत बधाई सुगंधा देवी जी। अब आज्ञा दे महाराज। रुकिए पंडित रामकृष्ण, हमारी बात अभी पूर्ण नहीं हुई है। विराजमान होइए। जी पंडित रामकृष्ण जी, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं, हमारे विशेष सलाहकार हैं। कई अवसरों पर आपने विजयनगर राज्य को संकटों से बचाया है अपनी बुद्धिमता के कारण, और हमें आप पर गर्व भी है। आपकी बात पूर्ण हो गई तो मैं जाऊं महाराज। रुकिए पंडित रामकृष्ण, बैठिए। अद्भुत। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि सुगंधा देवी ने अपने लिए जिस वर का चयन किया है वो आप हैं।